हेलो गाइज, वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल रैंकस नंबर वन पर। यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड था वो आज की डेट में रिलीज होना था, तो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस आ गई है। जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। हाँ, मैं जीकप के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिखेगी, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। देख लीजिए, यहाँ पर एक लिंक दिख रही है, डाउनलोड एडमिट कार्ड जीकप 2022, यानी कि जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वो उसको डाउनलोड करने की लिंक आ गई है। और आज की वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कैसे डाउनलोड करना है और कौन से शिफ्ट में आप लोग का सेंटर है, कैसे पता चलेगा, और कहाँ आप लोग का सेंटर है, कौन से शिफ्ट में है, कैसे पता चलेगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक ना। तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर ओपन करके बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग का जो एडमिट कार्ड है कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक ना, यहाँ पर ओके प्लस पर क्लिक करना है। तो आप लोग का यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो ओपन होने के लिए साइन इन के ऑप्शन मांगने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्या डालना है, एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर भर देता हूँ। फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसी को डालिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्शन सिक्योरिटी पिन का, सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आप लोग के पास आ जाता है सिक्योरिटी पिन डालने का। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पिन डाल दे रहा हूँ, ठीक ना, 8K, ठीक ना। यहाँ पर जो कैपिटल से है अगर कैपिटल से डालना, अगर स्मॉल से है तो स्मॉल से डालना है, ठीक ना। एक एक वर्ड का आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पिन डाल चुका हूँ। यहाँ पर अब करना है आप लोग को क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन जब आप करते हैं तो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाता है, ठीक ना, आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाता है। देख लीजिए, आप लोग का यहाँ पर नाम दिखने लगेगा और आप लोग की फ़ोटो दिखने लगेगी, नाम, एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आप लोग की फ़ोटो दिखने लगेगी, ठीक ना। अगर आप लोग जब आप लोग यहाँ पर साइन इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग को व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक ना, व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप लोग को क्लिक करना है तो आप लोग का एडमिट कार्ड खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आइए, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो पूरी तरह से डाउनलोड हो जाता है, ठीक ना। ओपन करने के लिए मांग रहा है ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, अब मैं ओपन करता हूँ तो आप लोग जब तक ओपन हो रहा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो रहा है आप लोग का एडमिट कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो रहा है। इसी तरह थोड़ा सा मांगेगा, टाइम लगेगा, तो आप लोग पूरी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर तब तक हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, नाम आ जाएगा आप लोग को, यहाँ पर पूरी डिटेल आप लोग की आ जाएगी, ठीक है ना। नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, और यहाँ पर मेन जो आप लोग का सेंटर है वो कहाँ आएगा, देख लीजिए। आपको यहाँ पर देख लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर एंड एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर एंड एड्रेस आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इन स्टूडेंट का जो है यूनजीप टेक्नोलॉजी LP, ठीक है ना, केशवपुरम आवास विकास नियर कटश्याम स्कूल कल्याणपुर कानपुर में, जो इन स्टूडेंट का सेंटर है वो कानपुर गया है, ठीक है ना, कानपुर। यहाँ पर एक एक डिटेल फिल है, कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी गली में, कौन से कॉलेज में, यहाँ पर पूरा फिल हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन से शिफ्ट में है, तो इनका जो सेंटर है वो कानपुर में है। 28 जून को इनका एग्ज़ाम है, 28 जून को एग्ज़ाम है, और Shift 3 में इनका एग्ज़ाम है, ठीक ना। यहाँ पर एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट सुबह टाइम होती है, और सेकंड शिफ्ट दोपहर टाइम, और जो थर्ड शिफ्ट होती है वो होती है शाम टाइम। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, टाइम भी दिया हुआ है, 4 बजे से 6:30 बजे के बीच में इनकी थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में इनका सेंटर है, और कानपुर में सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के जो इंट्रक्शन वाला भी, अगर आप लोग एडमिट कार्ड निकला रहे हैं तो इंट्रक्शन वाला भी आप लोग को एडमिट कार्ड के साथ निकलाना पड़ेगा, कि ठीक है ना। यहाँ पर पूरा इंट्रक्शन दिया रहता है, आधार कार्ड क्या क्या लेकर जाना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।